असलम माई YouTube फैमिली सो वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में और आज है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फेब और टाइम काफ़ी हो चुका है टाइम ऑलमोस्ट एक बज गया है और मैंने ऊपर करवा ली है इस टाइम ऊपर वाले की कॉल आ रही है तो मैं आपसे मिलती हूँ अभी तो आज मैंने ये ड्रेस पहना है और मेरी लुक है ये ये ड्रेस है और ये जो है पता नहीं आपको नज़र आई है या नहीं इस टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी है मैं आप लोगों से मिलूँगी बाद में तो जी फाइनली ये हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे और ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं और ये हमारे साथ जा रही थी अम्मी के साथ और मेरे साथ तो मैं इनको ये बोल रही थी कि ज़रा हाई कर दें स्माइल कर दें मेरी YouTube फैमिली को और ये मैं जस्ट गाड़ी में अपना मेकअप चेक कर रही थी पर्सनली पर्सनली मुझे अपनी ये मेकअप बहुत पसंद आई और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको आप लोगों के साथ क्रिएट करूँ और इसका मैं शूट कर दूँगी जल्दी जैसे से ही मुझे टाइम मिलेगा और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कैसे किया था बहुत इजी है उसके बाद ये हम लोग पहुंच गए थे वेन्यू पे और वेन्यू में पहुंचे तो अभी बारात आने में थोड़ा टाइम था क्योंकि इस दिन जुम्मा था तो ऑब्वियसली बारात कहीं पे स्टे कर रही थी थोड़ी देर के लिए ताकि वो लोग जुम्मा पढ़ लें और फिर उसके बाद वो आए यहाँ पर और डिकोर वगैरह सब बहुत अच्छा था बहुत मतलब बिल्कुल भी यानी कि कह लें कि उस तरह से नहीं था कि तंग तंग हो कंजस्टेड हो और ये मेरे कज़न की वाइफ हैं ये उनकी फैमिली और ये सब बैठे हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ा थोड़ा व्लॉग बना लेती हूँ सबका ये आयरा माशाल्लाह से जो था ना उसको खुली एक जगह मिल गई थी बच्चों को खुली जगह मिल जाती है ना फिर वो उस पर करते हैं फिर वो गोद में नहीं रहते काफी उस दिन ना सलाम सामकुम में मुझे स्पेशल हाई करता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है ना जो मेरे ब्लॉग में आना चाहता है तो <laughs> खैर ये फिर मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए करी उनके पीछे म्यूज़िक लगा हुआ था और फिर कॉपी राइट आ जाना था तो ये रहा दुल्हा माशाल्लाह से और लड़के वाले आ गए थे उसके बाद फिर जब सब यानी कि उसके बाद सेटल डाउन हो गए थे और उसके बाद मैंने तो काफ़ी कोशिश की थी कि मैं पूरा इवेंट कवर करने की कोशिश करूँ और मुझे वैसे भी शौक है मतलब जो जिस शादी में मुझे इंटरेस्ट होता है ना मैं एक तो जाती भी सिर्फ उसी शादी में हूँ एक तो होता है ना मजबूरी वाली शादी जिसमें बस आपको जाना पड़ता है और एक शादी उसमें मैं आराम से बैठी रहती हूँ उसमें जस्ट मुझे अपनी पिक्चर्स लेने का कंसर्न होता है लेकिन जिस शादी पर मैं जिस के लिए स्पेशली जाती हूँ ना फिर वहाँ पर मैं उस बंदे की पिक्चर्स और वो सब कुछ लेती हूँ हाँ व्लॉग वग़ैरह तो अब मेरा स्टार्ट हुआ है ना तो इस वजह से लेकिन खैर ये देखेंगे ये। मैं बैठी हुई थी और ये आयरा माशाल्लाह माशाल्लाह एंजॉय कर करी थी तो और इसको नज़र भी लगी थी इस दिन बेचारी के ऊपर गरम-गरम चाय गिरी थी और उसका पूरा बर्न हो गया था लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई थी और ये सब बच्चे वगैरह एंजॉय कर रहे थे बच्चों के खेलने के लिए भी अच्छी खासी जगह थी और ये सब म्यूज़िक वग़ैरह चल रहा था और यहाँ पर लाइट्स उन्होंने ऑफ कर दी थी क्योंकि अब होनी थी ब्राइड की एंट्री जो कि सबसे मेन था और ये सबसे ज़्यादा जो था ना मुझे वो लगता है बहुत प्रेशियस मोमेंट होते हैं कपल एक कपल की लाइफ के जिनकी एक नई लाइफ शुरू हो रही होती है और बहुत इमोशनल भी होता है ओवरवेलमिंग भी होता है एक्साइटमेंट भी होती है नर्वसनेस भी होती है सो बहुत सारे इमोशंस एक साथ होते हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी और जब उसकी एंट्रेंस हुई तो यानी कि मेरे लिए वो बहुत फीलिंग्स थी यानी कि जैसे एक कह लो कि एक छोटी बहन की जैसे शादी हो रही होती है ना या बहन की जो हालांकि हम साथ हम साथ रहे हैं बचपन से लेकिन ऑब्वियसली एक घर में हम नहीं रहे हुए साथ साथ घर में रहे हुए हैं तो मतलब मुझे बहुत तो रहा था मुझे अपनी फीलिंग्स इस टाइम एक्सप्लेन नहीं करने आ रही हैं सो ये साथ में मैंने कहा चलो अब दुल्हन को तो काफ़ी शूट कर लिया मैं थोड़ा अपने आप को भी दिखा दूँ ये मेरी बहन मेरे साथ खड़ी हुई थी और मैं इसकी जो थी ना एंट्रेंस की मैं पूरी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई और क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा था तो उन्होंने हाफ हाफ रास्ते में ना यानी कि वो किया चेंज करते रहे पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ आई या फिर वो अपनी सिस्टर और कज़न के साथ आ रही थी फिर अब वो अपने आगे किसके साथ आएगी वो आएगी सिस्टर और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ आएगी तो इस तरह से आ, करके ताकि कोई नाराज़ भी ना हो और रास्ता भी सबके साथ कट जाए तो ये वजह चीज़ बाकी ये तो मैं इसको मतलब आ, इस तरह से फ़न के तौर पे बता रही हूँ ना लेकिन ये चीज़ मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी थी और ये मैंने कहा लड़का भी तो देखूँ ना मैं के लड़के के क्या एक्सप्रेशन हैं क्या तासुरात हैं और वो चुप करके वेट कर रहा था कि अब आ भी जाए और जाननी इतना स्लो चल रही थी सो तो, खैर उसके बाद यहाँ पर तो फोटोग्राफ़र्स ने बहुत तंग किया है वो ऊपर आने लगती थी नहीं अभी आप दोबारा नीचे हो जाएं अभी इस पोज से अभी इस पोज के साथ अभी आप यहाँ देखें और यानी कि वो मुझे चीज़ बहुत लग रही थी वो फिर एकदम कहते थे आप बैठ जाएं फिर वो कहते थे नहीं नहीं अभी आप खड़े रहें तो बहुत इंतज़ार करवाया था और ये वो वाला मोमेंट जिस था जिसमें सबको वेट था कि हाँ अब दुल्हा दुल्हन को मतलब तो उसका हाथ पकड़ेगा और उसको ऊपर लेकर जाएगा स्टेज पर तो इस चीज़ का वेट हो रहा था और फोटोग्राफर्स इस चीज़ के अंदर बहुत कर रहे थे वो देखे वो ऐसे आगे आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो के रोक रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है उसको ऊपर लेकर जा रहे हो अपने साथ बैठने के लिए तो खैर काफ़ी इन्जॉय किया इवेंट पूरा माशाल्लाह बहुत अच्छा था और ब्राइड माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी वो जिस सलोन से तैयार हुई थी उनका भी उनके साथ भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसका और फैमिली में यानी कि तो लेकिन बहुत अच्छा उसको रेडी किया था डे फंक्शन के हिसाब से तो मेरा आज का जो पूरा व्लॉग है ये जस्ट बारात फंक्शन से रिलेटेड ही है और ये था फिर खाना खुला था मेन क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था और उसके बाद जब खाना आया था फिर सब भूल कर मैंने खाना खाया था और खाना खाने के बाद मैं चावल नहीं खाती हूँ मुझे ज़्यादातर रोटी ही या नान पसंद है तो फिर शादी पे मैं हमेशा नान खाती हूँ उसके बाद डिज़र्ट जो होता है तो गाजर का हलवा बहुत मज़े का था मैंने बहुत इन्जॉय किया चाय मैं इन्जॉय नहीं कर पाई थी क्योंकि आयरा के ऊपर गिर गई थी चाय और मुझे बहुत जल्दी थी कि मैं जल्दी घर जाऊँ और मैं उसके जहाँ पे उसका बर्न हुआ है मैं वहाँ पे कोई क्रीम वगैरह लगाऊँ उसको और ये रुखसती भी होगी थी लेकिन मैंने उससे पहले उससे मिल लिया था और फिर वो चली गई जी तो हम आ गए हैं वापस और इस टाइम तकरीबन साढ़े पाँच हो गए हैं घर वापस आए हुए एक घंटा हो गया है तो मैं तब से आयरा को देख रही थी आयरा ने वहाँ पे गर्म गर्म चाय अपने ऊपर गिरा ली थी तो उसके चेस्ट के ऊपर थोड़ी सी रेडनेस हो गई है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना बचत हो गई है उसकी अल्लाह का शुक्र है मैंने उसको नीचे कुछ कपड़े पहनाए हुए वे थे वेस्ट वगैरह और हाई नैक थी उसके फ़्रॉक के नीचे तो इस वजह से वो उस लेवल तक उसको वो गर्म वो चाय नहीं लगी और चाय इतनी गर्म नहीं थी गर्म थी बहुत थी लेकिन फिर भी वो जो एक तेज़ गर्म वाली चीज़ जो होती है ना वो नहीं थी उसके अंदर तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ और लास्ट में मैं मतलब इसी वजह से मेरा मूड भी काफ़ी ऑफ हो गया तो अभी मैं बस उसी को देख रही थी उसको मैंने दवाई वगैरह लगाई है तो अब जो है ना मैंने कहा कि मैं इस ब्लॉग को ये यहीं तक रखूँगी और इसकी एंडिंग यहीं पे ले लेती हूँ मैं और बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रही हूँ मैं कुछ इस वजह से भी उदास थी अपने कज़न को बहुत मिस कर रही हूँ और वो गई भी इतना दूर है वो आउट ऑफ सिटी गई है और अदला उसको हमेशा खुश रखे और दुआ उसके साथ हैं और आप लोग भी उसके लिए दुआ कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अब मैं आराम से ये लेंस उतारूंगी अपने और, और मेकअप रिमूव करती हूँ और इजी हो जाती हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ब्लॉग को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो देखकर ऐसे ही वापस चले जाते हैं वीडियो देखते देखते नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होता है उसको लाजमी प्रेस कर दिया करें और इसी से एक कह लें कि इंसान को जिसको सपोर्ट चाहिए हो इस तरीके से आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय